अली, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। सबसे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे योगा लेटेस्ट आने वाली जो वीडियो होगी आपको मिलती रहेगी। तो गाइस, आज मैं आपको बताने लगा हूँ इन्फिनिक्स का होट फोर, जिसमें आजकल मसला आ रहा है नेटवर्क का, सिम के नेटवर्क नहीं आ रहे, सिग्नल नहीं आ रहे, यानी कि कॉल नहीं मिलती, तो इसका मैं इशू बताने लगा हूँ। और इसमें जो यानी कि सबसे बड़ा जो इसका इशू है नेटवर्क ना आने का, होट फोर इन्फिनिक्स अगर आप यूज़ करते हैं, अगर इसमें आपके नेटवर्क नहीं आ रहे, सबसे बड़ा है इसकी सॉफ्टवेयर की अपडेट आई हुई है, यानी कि इसमें 7.0 होट फोर इन्फिनिक्स इसके अंदर सॉफ्टवेयर की अपडेट आई है। तो अब मैं आपको बताने लगा इसकी सॉफ्टवेयर की अपडेट कहाँ से जाके और कैसे चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले ये देखेंगे मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे, सिग्नल नहीं आ रहे गाइस, ठीक है। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन मेन्यू में जाऊंगा, जाने के बाद सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद आपने लास्ट में अबाउट में आ जाना। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर एंड्रॉइड 6.0 सॉफ्टवेयर दिया गया, ठीक है। मॉडल इन्फिनिक्स होट फोर। तो आइए नीचे कर लेते हैं सिस्टम अपडेट। देखें बैक करके अबाउट में आना, अपने सेटिंग में जाके अबाउट में सिस्टम अपडेट। सिस्टम अपडेट में आएंगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा, यानी कि आपको कहेगा सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉइड 7.0 इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है आगे, जो इसमें लेटेस्ट अपडेट दिया, आगे कुछ इन्होंने अपग्रेड लोगो जो भी किया उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि अपडेट, आपने अपडेट कर लेना है। कम से कम इसकी 1400 MB की फाइल होगी, 1 घंटा 15 मिनट लग जाएंगे इसमें। तो मैंने ये पहले ही से इंस्टॉल कर ली है, ठीक है, यानी कि डाउनलोड कर लिया है। इसके लिए आपके मोबाइल की बैटरी 30% होनी चाहिए, वो ये बता रहा है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर यानी कि जो फाइल है वो अपडेट हो जाए तो 30% बैटरी होनी चाहिए। तो मैंने ये फाइल थी वो डाउनलोड कर ली है, सारी रात लगा रहा है तो अब से आगे हुआ है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जस्ट सिंपली इंस्टॉल करना है आपने। जब डाउनलोड होता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद आपका कुछ मोबाइल इस तरह से ऑफ होगा। अब मेरा मोबाइल यानी कि रिबूट होगा खुद ही। रिबूट होने के बाद ये अभी यानी कि जो इसमें जो भी अपग्रेड आई है वो अपडेट करेगा। अब कह रहे हैं इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट। तकरीबन ये ब्लू रंग की लाइन नजर आ रही है, जब तक पूरी नहीं होती तो ये यानी कि अपडेट होता रहेगा। ये देखें ब्लू रंग की लाइन है इन्फिनिक्स होट फोर, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की अपडेट आई हुई है। तो भाई ये सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है, मेरी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। होने के बाद अब XOS लिखा आ रहा है, ये यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर के जो लोगो हैं वो अपडेटिंग हो रही है। इसमें 88 फाइल्स हैं एंड्रॉइड अपग्रेडिंग की, जो हैं ऑप्टिमाइजेशन एप्स 61 तक हो गई हैं, ये प्रॉपर पूरी जाएंगी 88 इसमें जो यानी कि जो अपडेट हुई हैं फाइलें वो। और इसमें सॉफ्टवेयर 6.0 था पहले, अब इसमें 7.0 अपग्रेड हो गया है। आपने अबाउट में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके इसकी फाइल अपडेट कर लेनी है। ये अपडेट हो रहा मेरे फोन की। तो गाइस मेरे फोन की यानी फाइलें थी जो अपडेट हो चुकी है। अब देख लेते हैं इसमें क्या नया है। स्टार्ट एक्सओ यानी SOS लॉन्चर नेक्स्ट, और इसमें पूछ रहा है कौन सा वॉलपेपर लगाना चाहते हैं। न्यू वॉलपेपर भी दे दिया उन्होंने, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मेरा फोन 7.0 पे अपडेट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या नया दिया गया है। इसमें पहले थी यानी कि एप्लीकेशन थी जो
यानी कि ऊपर, यानी कि यहाँ पर होम बटन था उस पर दबाने पे आती थी। अब यहाँ पे जैसे 7.0 लेटेस्ट चल रहा है, अब ऊपर ही करेंगे इसकी एप्लीकेशन ऐसी ही शो हो जाएंगी, ठीक है। अभी इन्होंने दरम्यान में होम बटन खत्म कर दिया। इसमें एक सबसे बड़ी बात, इसमें आप अगर यूं नहीं, यानी कि ऊपर वाला होम पेज नहीं खोलना चाहते, आप सिंपली साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस 7.0 में इन्होंने साइड पर भी एप्लीकेशन मेन्यू दे दिया है, जैसे आम मॉडल हर किसी में आ रहा होता है, पहले इसमें नहीं था। पहले इसमें सिंपल यही है कैटेगरी का आप यूज़ करते थे, इसमें जो एप्लीकेशन मैनुअल है, अब इसमें यानी कि आप साइड पे भी दे दिया गया। अब साइड से करते हैं, ऊपर से नीचे कर लेते हैं, तो नोटिफिकेशन बार इज़ वेरी नाइस कर दिया गया इसका। ये देखें नोटिफिकेशन बार, जब आप खोलेंगे ऊपर पहले में वाईफाई है, दूसरे में ब्लूटूथ, डाटा कनेक्शन, टॉर्च लाइट है, डाटा डू नॉट डिस्टर्ब, बाकी ऑटो ट्रेस, अल्ट्रा पावर, इसमें बहुत कुछ दे दिया गया। आप सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद ये भी वेरी नाइस इन्होंने यानी कि सेटिंग कर दी इसकी। अब इसके मैं अबाउट में आ जाता हूँ, अबाउट में आने के बाद सॉफ्टवेयर एंड ड्राइव, सॉफ्टवेयर 7.0, इन्फिनिक्स सॉफ्टवेयर 7.0 सॉफ्टवेयर हो गया। इसमें बैटरी टाइमिंग बहुत नाइस, वेरी नाइस कर दिया, और मेरे जो नेटवर्क नहीं आते, इसमें नेटवर्क भी आना शुरू हो गए हैं। अभी हमें एक नेटवर्क आ रहा है, पर ठीक है, यानी कि नेटवर्क जो यहाँ पे क्वालिटी नेटवर्क की सर्विस हो गई, इसलिए अब ये देखें मेरा यानी कि सेट पर आना शुरू हो गया। कीपैड लॉक देख लेते हैं इसका, कीपैड लॉक भी इसका चेंज कर दिया गया। कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरे में इसके कुछ सेटिंग चेंज कर, नॉर्मल, प्रोफेशनल, फेस ब्यूटी, नाइट, पैरानॉर्मल, पैरानोमा और विड सेल्फीज में दे दी है, लेटेस्ट कर दिया इसमें। खास बात इसमें यानी कि ऊपर का जो नोटिफिकेशन बार है वो चेंज किया गया, वेरी नाइस कर दिया गया इसमें नोटिफिकेशन बार। बैटरी चेंज कर लेते हैं, तो गाइस इनफिनिक्स हॉट फोर 7.0 अपडेट, कोई भी इसमें हैंगिंग का, नेटवर्क का कोई भी इशू आ रहा है, वो 7.0 में अपडेट में ख़त्म हो जाएगा। इसमें एप्लीकेशन है, न्यूज़ देख लेते हैं, एक्स हेयर दे दिया गया है, एक्स हाइट दे दिया गया है, इसमें एक्स पावर दे दिया गया है, बाकी इन्होंने स्पीड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर दी है इसमें भी, ठीक है गाइस। इनफिनिक्स हॉट फोर, अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो नए मेहमानों से मैं कहता हूँ खुश आमदीद, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस तरह से सेटिंग के लिहाज से, किसी भी के लिहाज से, कोई भी मोबाइल में इशू हो, कोई भी मसला हो, इस लिहाज से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है गाइस, थैंक यू, अल्लाह।